बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों वीडियो में आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जो जैसे आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बैच 2 के लिए जो इंटरव्यू तो स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे विकास खंडों में इंटरव्यू हो चुके हैं और बहुत सारे विकास खंडों में आज कल और परसों भी इंटरव्यू होने वाले हैं। तो जिनका इंटरव्यू हो चुका है, जिनका इंटरव्यू होने वाला है, दोनों लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विकास खंड में 15 लोगों की ज्वाइनिंग होनी है, जिसमें से इंटरव्यू के लिए 45 लोगों का सिलेक्शन किया जा रहा है। बहुत से लोग इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी, किस चीज का कितना नंबर आपको मिलेगा, तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये आप पहले से कन्फर्म कर सकते हैं। तो किस आधार पर बनेगा मेरिट लिस्ट इंटरव्यू की, फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो किस आधार पर बनेगी, उसकी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आपको समग्र की ई के वाई सी या सीखो कमाओ योजना के ऑनलाइन आवेदन आपको करवाना है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहां से आप कॉन्टेक्ट हमसे कर सकते हैं, आपके ऑनलाइन ही दोनों काम कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ताकि आप सभी को पता चले कि किस आधार पर बनेगी इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, उन 15 लोगों के नाम किस आधार पर लिए जाएंगे। यहाँ पर आप पहले ये एक चीज देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली बार भी जो इंटरव्यू था उसमें आपसे कौन कौन से क्या चीज हुई थी कि पहले आपका राइटिंग टेस्ट हुआ था और दूसरा आपका रिटर्न एग्जाम, मतलब राइटिंग टेस्ट हुआ था और इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। तो राइटिंग टेस्ट के आपको दिए गए थे 20 नंबर और रिटर्न एग्जाम के आपको दिए गए थे 30 नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि पहले राइटिंग टेस्ट भी होना था और इंटरव्यू भी होना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिटर्न एग्जाम जो मतलब राइटिंग टेस्ट को कैंसिल कर दिया गया है और केवल इंटरव्यू ही लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू के आपको 30 नंबर देखने को मिल रहे हैं और जो एप्लीकेशन इवैल्यूएशन है उसके 50 नंबर, ये 50 नंबर कॉमन है, इसे आप छोड़ दीजिए क्योंकि 50 नंबर जिसने एप्लीकेशन भरा है, फॉर्म भरा है, उसको सभी को मिलने वाले हैं। तो हम बात करेंगे केवल 30 नंबर की। 30 नंबर पर हम एक और आपको पीडीएफ ओपन करके बता देते हैं कि ये 30 नंबर तो आपको मिलने ही वाले हैं। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन मूल्यांकन के समय मापदंड क्या रहेंगे, ठीक है। आवेदन मूल्यांकन के समय जो मापदंड रहेंगे वो क्या रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल्यांकन मापदंड, प्राप्तांक और आवंटित अंक। यदि आपने ये देखिए यहाँ पर आवेदन मूल्यांकन के समय नवीनतम उपाधि में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। स्नातक में अगर आपके जो परसेंट यहाँ पर दिए गए हैं 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 के ऊपर सभी के आपको जो है वो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, 24 नंबर मिलेंगे। अगर आप 50 से 59 हैं और यहाँ पर 80% है तो 80 नंबर आपको मिलेंगे। और स्नातक हेतु स्नातोत्तर में आपको यदि सेम यहाँ देखिए 30 नंबर 50 नंबर इतने परसेंट साइड में आपको परसेंटेज दिख रहे हैं, स्नातक और स्नातोत्तर के आधार पर अधिकतम अंक, प्राप्त अंक का 30% अंतिम सूची में उपयोग किया जाएगा। जैसे आपके 80 नंबर है और यहाँ पर आपको 80% कितने अंक मिल रहे हैं, 100, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 का कितना प्रतिशत दिया जाएगा, 30%, मतलब 100 का कितना प्रतिशत, 100 का 30% कितना होगा, 30 अंक। तो यहाँ पर 30 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको 30 टोटल इसमें 30% इसमें 30 नंबर उसके, मतलब 60 नंबर का टोटल आपका रहेगा। मान लीजिए आपके 50 है तो यहाँ पर 24 रहेगा तो उसका 30% निकाल लीजिएगा, ठीक है। टोटल 60 नंबर का पेपर है समझ लीजिए आपको, और इसमें से अगर आपके 80% से ऊपर है तो मतलब 30 नंबर यहाँ से मिल गए और 30 नंबर आपको इंटरव्यू में से कितना नंबर मिल रहा है उसके आधार पर, ठीक है। इंटरव्यू मान लीजिए 20 नंबर मिल रहा है तो 30-20-50 मतलब आपका सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साक्षात्कार में एक पद के लिए तीन आवेदकों को आमंत्रित किया गया। साक्षात्कार हेतु स्नातोत्तर एवं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा स्नातोत्तर के अंक को प्राथमिकता जाएगी। अगर आपके पास स्नातक और स्नातोत्तर दोनों हैं तो आपको स्नातोत्तर की जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास स्नातोत्तर नहीं है तो आपको स्नातक की प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो लास्ट चयन प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी कि आपको इंटरव्यू के 30 नंबर दिए जाएंगे और यहाँ पर अगर आपके परसेंटेज अच्छे 80 से ऊपर है तो यहाँ पर भी उसके 30 नंबर दिए जाएंगे, ठीक। अगर 50% है तो 30% का निकाल लीजिए, मतलब 30 नंबर का 30% निकाल लीजिए। 60% है तो 50 नंबर मिलेंगे आपको तो उसके 30 नंबर निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से आपको अंक दिए जाएंगे, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है सभी के इंटरव्यू खत्म होने के बाद इसी महीने में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी।
तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी नई अपडेट नई जानकारी हम आपको लाकर देते रहते हैं, ताकि कोई भी हम नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आपको प्रोवाइड करें तो आप सबसे पहले देखकर वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी नई अपडेट नई जानकारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।